हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 12 की सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान का गृह कार्य, जो कि दिनांक 17 अगस्त 2021 को दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान क्या था? आंसर लिखेंगे 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ व देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में आजादी के बाद आर्थिक नियोजन हेतु कौन सी संस्था बनाई? आंसर लिखेंगे, भारत में आजादी के बाद आर्थिक नियोजन हेतु योजना आयोग नामक संस्था बनाई। थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया? आंसर लिखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल देश को गरीबी के मकड़ जाल से बाहर निकालना था, इसलिए सबसे अधिक कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की क्या कोशिश थी? आंसर लिखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव व हर दिशा में बदलाव करना था। एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, नियोजन के फलस्वरूप उत्पन्न मुख्य विवाद के बिंदु कौन कौन से थे? आंसर लिखेंगे, विवाद के बिंदु थे कृषि बनाम उद्योग, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। तो ये था क्लास 12 के सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान का कंप्लीट गृह कार्य। हम इसी तरह अन्य क्लासेस, अन्य सब्जेक्ट्स के गृह कार्य भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।